क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल वहां 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 घंटा पूरा पूरा यूज मत कर लीजिएगा, इसलिए पहले से ही आपके लिए हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, आप इसको जरूर बनाएगा अपने टाइम को देखते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14। यदि बिंदु ए और बी सी संरेखीय, संरेखीय कहने का मतलब तीनों बिंदु क्या है एक ही पर है, ए बी सी, तो के का मान बताना है। तो पता है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब तीन बिंदु दिए हुए रहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होती है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये होता है हमारा फॉर्मूला, रख दीजिए जो जो दिया हुआ वैल्यू, पॉइंट को हम लिख लेते हैं 2, 3, 4 के, ये कुछ दिया हुआ है ये 4 है, और 6 - 3। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये x1 है ये y1 है, देखिए इसको आराम से बैठाएगा नहीं तो आपका गलती हो सकता है। ठीक है, और हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप भी एग्जाम में इस प्रकार से लिख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, माइनस प्लस को ध्यान में रख करके बनाइएगा। चलिए तो इसको करते हैं, और क्या बोला संरेखीय है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब के में उधर हम 0 कर देंगे। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। चलिए तो बैठाते हैं वैल्यू, x1 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू देखिए y2 का वैल्यू है k, y3 का वैल्यू है y3 का वैल्यू माइनस, और पहले से माइनस प्लस लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और ये 4 हो गया, y3 का वैल्यू है -3 और y1 का वैल्यू है -3, माइनस यहाँ था, और x3 का वैल्यू है 6 और y1 का वैल्यू है ये 3 और y2 का वैल्यू है k। चलिए ये हो गया, इसको क्यों लेकर के चले, भेज दीजिए उधर 0 हो गया, इसको मुझे सोल्व कीजिए 2k + 6 - ये हो गया 3, 3, 6 और 24 -24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा +18 - 6k = 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए के के है तो हो जाएगा यहाँ पर -4k और ये तो हो जाएगा 0, हो रहा है 0 ना, बिल्कुल हो रहा है 0, यानी कि हो गया 0 और 0 के बराबर, यानी के बराबर आ रहा है आपका 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप लाइक कीजिए जरूर, और आप देख रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप देखें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, लिखा हुआ है 2 tan 30° बटा में 1 + tan²(30° के बराबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें होगा, इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, वैल्यू बैठा दीजिए, 2 tan है 30° बटा में 1 + tan²(30° 30° का वैल्यू कितना होता है बताइए, 10 30° का वैल्यू 1/√3 और ये चीज बैठा देना 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर दीजिए ऊपर, सोल्व कीजिए तो ऊपर ये आएगा, और नीचे जब सोल्व कीजिए तो √² खत्म, 1/3, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका बनेगा ऐसे, और यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2/3 और ये 3 ऊपर चला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया तो आप इसको ऊपर भेज दीजिए 3 ऊपर, और ये हो जाएगा 4, काट दीजिए यहाँ से काटेगा, और ये भी √3 है, 3 कटेगा तो √3/2, कौन सा ऑप्शन है, √3/2। अच्छा ये तो दिया ही नहीं है, तो √3/2 किसका वैल्यू है, साइन कितना का होता है, साइन 60° √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा सही। अच्छा लग रहा है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 9 sec² a - 9 tan²a बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा कि अगर 9 यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये हमारा फॉर्मूला पर डायरेक्ट है, और ये होता है 1 का वैल्यू। ठीक है, हो गया हमारा 9 आंसर।
फॉर्मूला याद होगा तो आप उससे देखिएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला से बहुत सारे निकलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए, अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, ये कहता है, देखिए स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। चलिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कोई मीनार है। ठीक है, और यहाँ इसका उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर देखते हैं उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, ये 30 डिग्री का, इसकी ऊंचाई बताना है। ये कोई मीनार है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, सामने वाला होता है पी, ये होता है बी, ये होता है एच, तो इसके इसके बीच में रिलेशन पता कीजिए। तो पी और बी का किसका रिलेशन है? पी और बी किसका है? 10 थीटा डिग्री का। तो पी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू अभी पता है √3, 1/√3, इसको भेज दीजिए उधर, तो हो जाएगा 30/√3। अब इसको 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर हम लिख दे रहे हैं, 30 को लिख सकते हैं 10 × 3/√3, और आपको इसको पता है यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 10√3, आंसर नंबर यही मीटर में। ठीक है, मीटर में, तो मीटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 18, बनाइए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 18, यदि एक बिंदु पी से, कोई बिंदु है एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, पी है यानी कि कोई वृत्त है, ठीक है कोई वृत्त है, और यहाँ पर एक बिंदु पी है और यहाँ पर वो है, यहाँ से इस प्रकार से डाला गया है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा, ये दिया हुआ 80 डिग्री, और आपको पता है कि जब ये केंद्र से एक पॉइंट को मिलाते हैं तो इक्वल इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ये 40 ये 40। ठीक है, और यहाँ पर कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक ना, चलिए तो इसमें बोल रहा है कि एंगल पी ओ ए बराबर, तो ए बी, ठीक है पी ओ ए, ठीक है ये वाला पूछ रहा है पी ओ ए, ये वाला एंगल, तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण, क्योंकि ये दोनों का पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो दो का पता है 40 + 90, और इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़ के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ओ ए बराबर, इसको जोड़ने तो कितना होगा 130, 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री, आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जिस स्पीड से हम बना रहे हैं उसी स्पीड से आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप इसी स्पीड से एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, और कब स्पीड ये अच्छा होगा? जब आपका रिविजन मजबूत रहेगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर आपको सही सही बनाना है तो आप पहले रिविजन कर लीजिए, इसलिए हम आपके लिए आए हैं रिविजन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q है और एक वृत्त है, क्वेश्चन मतलब चैप्टर 10 से यहाँ पर Q है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है, और Q के केंद्र से दूरी 25, यहाँ से यहाँ तक की केंद्र की दूरी दिया हुआ 25। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला वैल्यू निश्चित है कि यही फाइंड करना है, हाँ यही त्रिज्या निकालना है। चलिए, तो आपको बिल्कुल दिख रहा है 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस है, और जब भी हाइपोटेनस होता है तो ये कुछ भी रहे दोनों का सम स्क्वायर का सम बराबर होती है। ठीक है, तो आपको पता है ये निकालना है तो घटाएंगे ही, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर 576, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका ही निकलेगा, घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ हो गया 1, 11 में से 7 जाएगा तो 4। ठीक है, यानी कि 49 आ गया, और उसका निकालें तो 7। अगर दोस्तों नहीं समझ में आए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, हम इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, और रिविजन हुआ होगा तो हमें पक्का है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ऑप्शन बता दें, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी से, दो वृत्तों के त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है, दो वृत्त हैं, ये चैप्टर 12 से है दोस्तों, दो वृत्त हैं, तो पहला वृत्त का मान ले रहे हैं
आर वन इसको मान ले रहे हैं, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर है, और एक आर टू है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी इस प्रकार के दो त्रिभुज और ये दोनों को क्षेत्रफलों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है, तो इस वृत्त की आपको त्रिज्या बताना है, अच्छा क्षेत्रफल, हाँ त्रिज्या बताना है इसके लिए, ठीक है, तो इसको बड़ा आर मान लेंगे। इस वृत्त की छोटा और वृत्त के, तो ये वाला हमारा बड़ा वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों के सम का स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, पाई पाई कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो पाई निकाल दे रहे हम, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, वैल्यू मत बैठेगा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए आर वन स्क्वायर करके रख देंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 3600, यानी कि आर बराबर हो गया 10, और कहते हैं सेंटीमीटर में ना, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर, क्वांटिटी जरूर देखिएगा 10 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 था ना, हाँ 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, त्रिज्या वृत्त को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही बताना है, ठीक है, आप जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बड़ा आर बोला तो बड़ा आर वाला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है ही नहीं, जा इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, टेंशन मतलब दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी वही है, क्योंकि इसको 2 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 36 का दोगुना हो जाएगा हमारा 72, यानी कि 720, ठीक है, काटेगा तो यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 देखिए, 22 कौन सा होगा, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है मतलब कि क्यूब है, उसका प्रत्येक आयतन दिया हुआ है, तो पहले घन का दो घनों को मिला करके, इनके संगत फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ, इन दोनों को मिला देना जोड़ दें तो इस प्रकार के घनाभ मिल गया, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ए चाहिए, सॉरी ए करें एल चाहिए, बी चाहिए और ए चाहिए, तीनों चाहिए, तो इसी से निकालेंगे, दोनों क्यूब दिया हुआ था, दोनों का प्रत्येक का था 64, ठीक है, तो ये आयतन होता है क्यूब का आयतन, क्यूब का आयतन है ए क्यूब हो गया 64, ठीक है, ए क्यूब, तो ए बराबर कितना हो गया, किसका क्यूब है बता सकते हैं, 4 का क्यूब है, ये सब याद रखिए दोस्तों, तभी मैथ मजबूत होगा, मैथ मजबूत करना है तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 4 इसका और 4 इसका मतलब 8 हो जाएगा, मतलब एल तो 8 हो गया, बाकी सारा सब 4 4 रहेगा, क्योंकि हाइट और इसका बेस 4 4 ही रहे, तो बैठा दीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 into LB BH + HL, इसमें बैठा दीजिए दोस्तों, तो 2 हो गया, और एल बी का वैल्यू कितना है, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, ठीक है, तो ये 2 × 8 = 32, और ये 16 16 + 32, और ये हो जाएगा 2 × 32 और 32 हो गया 4 × 6 = 64 और 16 इसमें 16 ऐड कर दीजिए, 0 7 और 1 8 80 80 के 2 × 8 × 16 160 160 सेंटीमीटर, 160 किस में है देखिए दोस्तों, 160 हमारा एक में है 160 मीटर स्क्वायर और एक में है 160 सेंटीमीटर, तो आप क्वांटिटी देख करके मारिएगा, ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक जो ठोस है अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब इस प्रकार का, और शंकु के आकार इस पर खड़ा है, और बोल कह रहा है कि त्रिज्या जिसकी त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या सब बराबर है जो 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन बताइए, इस ठोस का, तो ठोस हमारा जो बना है वो 2 फिगर से बना है, एक अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4
फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, तो आधा इसको कर दें तो अर्ध गोले का हो जाएगा, तो हो जाएगा टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, पाई में दिया हुआ आंसर, हाँ पाई में दिया हुआ तो पाई ही रहने दीजिए, पाई कॉमन निकाल रहे हैं और वन बाई थ्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। ये हम निकाल दिए टू आर क्यू प्लस यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर एच, आर आर कॉमन निकाल, आर आर भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि आर का वैल्यू सेम ही दिया पर रख दीजिए, ये हो गया दो, आर का वैल्यू तो वन ही है, वन इंटू वन, ठीक तो हो गया पाई बटा में तीन, और ये हो जाए दो एकम दो और एक एकम एक, यानी कि दोनों को जोड़े तीन कट जाएगा, यानी कि पाई सेंटीमीटर, और क्या पूछा था इसका आयतन था, हाँ आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, पहले उसको सॉल्व कीजिए और तब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, एक मॉडर्न बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है और इसे बाद में गोला में बदल गया, एक शंकु था ठीक है, एक शंकु बनाया गया था और इसके बाद में फिर गोला में बना दिया गया, तो इसका आयतन जितना होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा, दोनों का आयतन वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक, तो शंकु का आयतन अभी बताए थे 1/3 πr² h, और गोले का आयतन बताए थे, गोले का आयतन क्या था, तो गोले का आयतन था 4/3 πr³। चलिए तो इसका दिया हुआ है ऊंचाई, दिया हुआ आपका 24, तो रख दीजिए शंकु का ये है, और पाई का वैल्यू, पाई पाई कट जाएगा, देखिए दोनों पाई पाई इसलिए पाई को पाई ही रखने देते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ 6, तो 6 का हो जाएगा 36, ऊंचाई दिया हुआ आपका 24, सॉल्व कीजिए इसको, कीजिए 8 × 3 = 24, ठीक है इसको 8 से गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा, तो हो जाएगा 8 × 48 = 8 = 4 = 24 = 4 = 28 पाई, और उधर से रख देंगे ये, ठीक तो ये हो जाएगा इस प्रकार का पाई पाई खत्म, और 3 और 4 इधर आ जाएगा, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे कटेगा, 7 × 28 और 2, यानी कि 3 × 6 = 21 सेंटीमीटर। अच्छा आर क्यूब, आर निकालना है ना, हाँ आर क्यूब, इस किसका क्यूब रूट है दोस्तों, 216 किसका है, 216 किसका क्यूब रूट है, तो बिल्कुल 6 का ही है, मतलब कि हमारा त्रिज्या आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए 25 वाला देखिए क्या कर रहा है, 25 का बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है 25 का क्वेश्चन और 25 में देखिए आयु दे और रोगी दे बहुलक इसमें पूछा है, बहुलक का इसमें पूछा है 25 वाला, तो बताइए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में टू एफ वन माइनस एफ वन माइनस एफ टू है, यहाँ पर एफ जीरो एफ टू इस पर अगर होता है और इंटू एच। ठीक, तो सबसे जो बड़ा रहता है वो हमारा होता है एफ वन, तो सबसे बड़ा हमारा 23, ठीक है और इसके नीचे वाला होता है हमारा एफ जीरो, तो एफ जीरो हमारा 21 और एफ टू है इसके ऊपर वाला, तो ऊपर वाला इसका है 14, और फिर डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस हमारा 10 का, 10 हो गया, एल कितना है, तो एल जो एफ वन में देखते हैं ना उसी के निचली सीमा होती है, तो हमारा है 35। ठीक है जब इसको सॉल्व करिए कीजिएगा दोस्तों, इसमें रख के देखिएगा तो आपका आएगा 36.8 इसका आंसर आएगा। ठीक है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, चलिए या फिर आप रख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिए कि देखिए रख रहे हैं 35 + 35, एफ वन का वैल्यू, एफ वन का वैल्यू 23 है, 23 रख दिए, एफ जीरो का वैल्यू 21 बटा में टू, यानी कि इसका आपके दोगुना करके रखेंगे, ठीक है तो ये दोगुना कर दिए, फिर 21 है ना 21 सही है, और फिर -14 और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 35 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, पर यहाँ से करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस और ये 3 5, ठीक है और इंटू में 10। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आपका ये आएगा। चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए हम बता देंगे।
26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए और बताइए कि कौन सा इसका होगा आंसर। क्वेश्चन कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा संबंध होगा, इसमें फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। थ्री माध्यक बराबर होता है बहुलक, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है दोस्तों, बहुलक प्लस टू माध्यक, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, याद रखिएगा इसको, इस पर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक फिगर दिया हुआ पूछ रहा है किस प्रकार का तोरण है, किस प्रकार का तोरण है। तो देखिए यहाँ से ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ये क्या होता है, ये हमारा अधिक प्रकार का तोरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो सही हो जाएगा, लेकिन आपको और देते हैं और बताएं कि ये किस प्रकार का तोरण है, ऐसा करके कुछ जाता है नीचे से ऊपर की ओर तब कैसा होगा, और इसको भी बताइएगा, ये हो ही गया और भी रहता है, ठीक है, ऐसे तो बताइए किस प्रकार का सब तोरण है, यही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28 में बोला किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है, कितना होता है। तो जो भी आप प्रयोग कीजिएगा ना दोस्तों, आप सबको सम कीजिएगा तो आपको एक मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, कंप्लीट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सही। देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और अच्छा आपको भी लग रहा है तो हमें भी उम्मीद जगह कि इसी प्रकार से और मेहनत करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 28 था। क्वेश्चन नंबर 29, किसी घटना ई के लिए सत्य है, ई के लिए कौन सा सत्य है, इसमें से चार ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इवेंट नहीं है 1-P, ठीक है, ये इस पर फॉर्मूला भी है, मतलब क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वाला भी दे दिया जाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा, इसको आप रखिएगा याद, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको इतना रिविजन कर लीजिए कि सपना में भी याद हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 है एक बक्से में 3 नीले गेंद रखे गए हैं, नीले गेंदों की संख्या है 3, सफेद गेंदों की संख्या है 2 और लाल गेंदों की संख्या है 4। इसमें पूछा कहा जा रहा है कि सफेद कंचा, इसके प्रायिकता बताइए, सफेद कितने हैं, सफेद 2, टोटल कितने हैं, वाइट लिख दे रहे हैं, टोटल कितने हैं, तो 5, 9 लिखेंगे, सफेद कितने, 2, तो 2/9 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से है दोस्तों हमारा 10 क्वेश्चन आपको दिए खुद से भरने के लिए, ठीक है, तो बताइए कि 31 क्वेश्चन में क्या हुआ, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये है वृत्त और ये इसका स्पर्श रेखा, तो इसको स्पर्श बिंदु ही कहेंगे, ठीक है, और इससे आपको ये तो क्वेश्चन हम आपके लिए थोड़ा सा दिए हैं, लेकिन इससे इजी वाला ही आएगा, जैसे कि वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं होती है वो पूछेगा, या फिर वृत्त की कितने समांतर रेखाएं होती है, समांतर स्पर्श रेखाएं होती है वो पूछेगा, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर पता चला ना, क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। चलिए कोई ये हमारा 31 था। 32 क्वेश्चन नंबर है, 32 देखिए पढ़िए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं, सत्य या असत्य बताना, ठीक है, तो बिल्कुल ये सत्य है, जैसे कि देखिए साइन थीटा के जगह पर हम 0 रख रहे हैं, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, अगर हम इससे बढ़ते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री में हाफ होता है, देखिए अभी 0 था, 0 से 1 हो गया, इतना ही में समझ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के खाली जगह होता है, तो बराबर होता है, बराबर होता है, बिल्कुल वही है, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये कर्ण है आपका का वर्ग, इसका वर्ग शेष 2 भुजाओं, तो शेष 2 भुजाओं को आप जान रहे हैं, ठीक है, कि इसके योग के बराबर ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 33, तो बराबर में भर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर है 34, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं दोस्तों, तो सभी वर्ग होते हैं समरूप, ऐसे बनाइए
है तो उसी के जैसा, ठीक है, समरूप होते हैं। इस प्रकार से आप आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सभी स्क्वायर क्या होते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड को, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? तो अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय होता है, भर लीजिएगा इसको दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप चैप्टर नंबर 1 में चल जाएगा, उसमें ये लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। देखिए बताइए इसमें से का क्या होगा, और जरूर बताइए, जल्दी के जल्दी बताइए। देखिए इसमें पूछा है एक घात के बहुपद को, एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात एक होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा, के लिए हम तैयार जो किए हैं वो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। अगर दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम में होंगे तो इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन बनाएंगे, आप जरूर कहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? देखिए तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत। ठीक है, और जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। ठीक, और हल किसका होता है? तो हल केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, और अनेक हल होता है। इसका आप इक्वेशन बताइए क्या होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग एस सूत्र प्राप्त कीजिए, एस का फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होती है सम ऑफ एन टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 39 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। कई गो पार्ट है? चार पार्ट है, एक पार्ट को बताएं तो कर दीजिए। ठीक, अच्छा लग रहा है तुम्हारा। 40 है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? शंकु के छिन्नक का आयतन आपको बताना है, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये हम बता दे रहे हैं, हिंट्स भी बता दे रहे हैं, या फिर छोड़िए हम ये बता दे रहे हैं। ठीक है, 1/3 पाई आर, 1/3 इंटू पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ठीक है, ये उसकी होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो मिलते हैं, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा हो। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी लेकर के क्वेश्चन आएंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।